Welcome to Splendid Mom. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos. Hello mommies, welcome to Splendid Moms. आज का video specially dedicated है nursery और LKG के बच्चों के लिए, जो बच्चे ABCD अभी लिखना सीख रहे हैं. क्या है ना, डेली उन्हें एक अल्फाबेट लिखने के लिए मिलता है, होमवर्क भी मिलता है, बट जब लॉन्ग वीकेंड होता है या वेकेशन होता है, हम मम्मीज को वरी होने लगती है कि कहीं वो लिखना भूल ना जाए, इन अल्फाबेट्स को भूल ना जाए. इसलिए हम उन्हें रिविजन कराने के लिए बैठ जाते हैं. पढ़ाने के लिए हम उन्हें एक बुक देते हैं, पेंसिल देते हैं और कहते हैं, शोना बेटा चलो लिख दो, A to Z मुझे लिखकर अभी बता दो. बट बच्चे इस तरह से राजी नहीं होते, क्योंकि उन्हें वो लिखना ना बर्डन लगता है. वही अगर आप किसी एक्टिविटी बुक के थ्रू या वर्कशीट के थ्रू उन्हें पढ़ने बिठाएं, कलर्स के थ्रू पढ़ने बिठाएं, तो वो जल्दी राजी होते हैं. मेरा बेटा भी ऐसे ही है. बट प्रिंट आउट्स के नाम पे मैं बार बार मार्केट नहीं जा सकती, मेरी छोटी सी बेटी है और मेरे पास प्रिंटर भी नहीं है प्रिंट आउट के लिए. इसीलिए मैं ये वर्कशीट्स घर पे बनाती हूँ. आज मैं आपके साथ इन वर्कशीट्स के सैंपल शेयर करूंगी, जिससे आप बच्चों को ABCD घर पर रिविजन करवा सकती हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो ये है मेरे बेटे की पुरानी नोटबुक, जिसमें मैं उसे वर्कशीट्स इस तरह के बना के देती हूँ, ताकि मैं उसे रिवीजन करा सकूं. क्या है ना, बच्चे प्लेन लिखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते, बट अगर उन्हें कलरिंग के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू या वर्कशीट्स के थ्रू लिखाएं, तो वो जल्दी राजी हो जाते हैं और जल्दी सीख लेते हैं. सो ये है सैम्पल वर्कशीट जो मैं अपने बच्चे को देती हूँ और उसे रिविजन करवाती हूँ. सो ये है पहली वर्कशीट. अगर आपको किसी लेटर को उसे रिविजन कराना है जो वो उस वीक में सीख रहा है, जैसे कि KLMN कोई भी लेटर, तो आप इस तरह की वर्कशीट उसे बना के दीजिए और कहिए सर्कल द करेक्ट लेटर, यानी M को सर्कल करके बता दे. चाहे तो आप उसे क्रेयॉन्स दे सकती हैं, ताकि बच्चा इंटरेस्ट बताए, उसका जो भी फेवरेट कलर है उसे दे दीजिए और उन्हें सर्कल करने के लिए कहिए. जहां भी वो कैपिटल M देखे, स्मॉल M देखे, उन्हें इस तरह से सर्कल करना है. इस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम को ढूंढते ढूंढते भी बच्चे इन लेटर्स को रिवाइज करेंगे, दूसरे लेटर्स को वो देखेंगे और अपने माइंड में उसका नाम दोहराएंगे और लेटर्स की रिवीजन अपने आप हो जाएगी. इसी तरह से अगर उन्हें डी को फाइंड करना है, स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, इस तरह से वो हर लेटर को ढूंढेंगे, हर लाइन में सर्च करेंगे और सर्कल कर देंगे, और इन लेटर्स को सर्च करते हुए दूसरे लेटर्स की भी रिविजन अपने आप हो जाएगी. और छोटे बच्चे जो स्मॉल बी एंड स्मॉल डी में कंफ्यूज रहते हैं, जिन्हें मिरर लेटर्स कहते हैं, जो बच्चों को मिरर लेटर की प्रॉब्लम होती है, उनके भी प्रॉब्लम आप इस वर्कशीट से दूर कर सकते हैं रिवीजन के थ्रू. सो ये था वर्कशीट नंबर 1. अब आते हैं सेकेंड वर्कशीट पर. ये मैचिंग. ये सारे सिंपल वर्कशीट्स हैं, बट रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं छोटे बच्चों के लिए. यहाँ पर हमें बच्चे को मैच करना है कैपिटल लेटर्स विद स्मॉल लेटर्स. जैसे कि मैंने 4 बॉक्सेस यहाँ पे दिए हैं, अलग अलग लेटर्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, और बच्चे से कहा है कि मैच कर दे. कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल एन स्मॉल एन, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से. इसी तरह से दूसरे बॉक्सेस को भी मैच करने के लिए कहिए. फिर आती है बारी फिल इन द ब्लैंक्स की. ये एक और वर्कशीट है जो बच्चे को लिखने के लिए आप दे सकती हैं. यहाँ है फिल इन द ब्लैंक्स, जो मिसिंग लेटर्स को वो लिखकर आपको दे सकते हैं. A, B, C, ये कैपिटल लेटर्स आप मिसिंग की तरह उन्हें दे सकती हैं और फिल इन द ब्लैंक्स लिखने के लिए कह सकती हैं. उसी तरह मैंने स्मॉल लेटर्स को भी यहाँ पे लिखा है इस तरह से. A to Z इस पे रिविजन हो जाएगा बच्चे का. कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दोनों का रिविजन आप आसानी से करा सकती हैं. ये थी वर्कशीट नंबर 3. अब आते हैं कंप्लीट द सीरीज में. जैसे कि ये सिंगल लेटर ब्लैंक्स हैं और यहां पर मैंने दी है सीरीज. ये दूसरी टाइप ऑफ वर्कशीट है. A to F, यानी A और F के बीच में जो भी लेटर्स आते हैं उसे उन्हें लिखना होगा. A, B, C, D, E, इस तरह से. H, I, J, K. क्या है ना, बुक में वर्कशीट देने का एक फायदा ये भी होता है कि बच्चे लाइन पे लिखना सीखते हैं. उनकी हैंडराइटिंग भी आप ऑब्जर्व कर सकती हैं कि वो नीटली लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं. वेयर एज वर्कशीट अगर आप प्रिंट आउट लेकर आएंगी व्हाइट पेपर पर, तो बच्चा ऊपर नीचे बड़ा छोटा लिख देगा और हैंडराइटिंग भी प्रैक्टिस नहीं होगी. दूसरी वर्कशीट है ज्वाइन सिक्वेंशली.
यहाँ पे मैंने लेटर्स को रैंडमली इधर उधर लिख दिया है और बच्चे को सीक्वेंस में उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहा है, जैसे कि ए बी सी देन डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे मैं पेंसिल से कर रही हूँ, बट चाहे तो आप बच्चे को क्रेयॉन्स दे सकती हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एक और वर्कशीट है सर्कल द सेम लेटर, यानी ये विजुअल कॉन्सेप्ट का वर्कशीट है जहां पे उन्हें सेम लेटर को सर्कल करना है, जो लेटर वो यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि ए, ए कहाँ पे है इस लाइन में उन्हें ढूंढना है और इस तरह से सर्कल करना है ए, इसी तरह से बी सी, पूरी लाइन को वो रीड करेगा माइंड में और फिर सी को वो सर्च करके सर्कल कर देगा, डी ई इस तरह से। इसी तरह से आप बाकी लेटर्स भी दे सकती हैं, वीकली कुछ लेटर्स आप इस तरह से प्रैक्टिस बच्चे को करा सकती हैं। सर्कल द लोअर केस लेटर, इसी तरह से कैपिटल एंड स्मॉलर लेटर की अगर उन्हें पहचान करवानी है तो आप ये वर्कशीट का यूज कर सकती हैं, जहां पे आपको कैपिटल लेटर देना है और स्मॉल लेटर को, करेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर को उन्हें सर्कल करना है, ए इज दिस वन, बी दिस वन, सी डी। हमें तो ये आसान लगता है वर्कशीट करना, बट बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो लेटर्स को पहली बार देख रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो वो हर लेटर को ऑब्जर्व करेंगे और ढूंढेंगे कि कैपिटल एफ अगर ये है तो स्मॉल एफ कहाँ है इस लाइन में, वो हर लेटर को रीड करेंगे तो उन्हें टाइम भी लगेगा इन वर्कशीट को करने के लिए। आप डेली एक या दो वर्कशीट इस तरह के बच्चे को दे सकती हैं और उन्हें रिविजन घर पे करा सकती हैं। ये एक और फन वर्कशीट यहाँ पे फाइंड एंड कलर, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 लेटर्स यहाँ दिए हैं और हर लेटर को मैंने एक कलर असाइन करना है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बी को दिया है, कैपिटल बी को दिया है रेड, इसी तरह से मैं स्मॉल बी को दूंगी ब्लू और डी को मैं दूंगी एक और कलर इस तरह से डार्क ब्लू और स्मॉल डी को मैं दूंगी लाइट ग्रीन इस तरह से। फिर आप बच्चे को कलर्स दीजिए और कहिए कि जहां भी वो कैपिटल बी देख रहे हैं उन्हें रेड करना है, जहां वो बी स्मॉल बी देख रहे हैं उन्हें ब्लू करना है इस तरह से। इससे बच्चे कलर रिकग्निशन भी सीखेंगे और फाइन मोटर स्किल्स भी उनकी इम्प्रूव होगी और वो लेटर्स को भी विजुलाइज करके याद रखेंगे कि कैपिटल बी कैसे दिखता है, स्मॉल बी कैसे दिखता है, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी किस तरह से दिखता है। ये था एक फन वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट है डॉट टू डॉट, ये तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, जब भी उन्हें ड्राइंग की कोई एक्टिविटी दी जाती है तो वो जरूर करते हैं। इस तरह से सिंपल ड्राइंग आप बच्चे को बना के दीजिए और कहिए कि अल्फाबेट्स को ज्वाइन कर दे, ज्वाइनिंग के टाइम वो हर अल्फाबेट को देखेंगे, सर्च करेंगे और लाइन बना देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कैट उतारी है, ए टू आर मैंने यहाँ पे दिया है और आप बच्चे से कहिए कि इस ड्राइंग को कंप्लीट कर दे, डॉट टू डॉट इस तरह से ज्वाइन कर दे। ये सारे एक्टिविटीज प्री राइटिंग स्किल्स में भी इंक्लूड होते हैं, जहां पे बच्चे की फिंगर एक्सरसाइज होती है ताकि बच्चा नीट लिखना सीखे। इसके बाद आप बच्चे को पिक्चर को कलर करने के लिए भी कह सकती हैं ताकि बच्चा इंटरेस्ट बताए। इसी तरह से अगर आपको कुछ और ड्राइंग देनी है तो आप बटरफ्लाई बना के दीजिए, इस तरह से सीक्वेंस में डॉट बाय डॉट अल्फाबेट को लिख के दीजिए, लेटर्स को लिख के दीजिए और बच्चे से कहिए कि ज्वाइन कर दीजिए। तो मॉमीज ये थे कुछ फन एक्टिविटी शीट्स, वर्कशीट्स जो आप बच्चे को रिवीजन कराने के लिए यूज कर सकती हैं। इस तरह से बहुत सारे वर्कशीट्स ऑनलाइन अवेलेबल है जिसे देखकर आप खुद वर्कशीट घर पे बना सकती है। आपको प्रिंट आउट लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक्टिविटी बुक्स की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको उनकी कोई भी पुरानी बुक लेनी है या व्हाइट पेपर लेनी है और इस तरह से वर्कशीट, सिंपल वर्कशीट उन्हें बना के दीजिए और उन्हें एक्टिविटी के तरह रिविजन करवाइए, उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो मॉमीज आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स, हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। गिव अस अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर लेटेस्ट वीडियोस।